एक बाप अपनी छोटी सी बेटी को बार बार डांटा करता था। फिर हुआ कुछ ऐसा। ये कहानी एक बाप और उसकी 5 साल की बेटी की है। एक बार बाप ने अपनी इस मासूम बच्ची को सख्त पनिशमेंट दी क्योंकि उसने एक कीमती रैपिंग पेपर खराब कर दिया। बाप अपनी बेटी से नफरत नहीं करता था, मगर आर्थिक हालत काफी तंग थे, इसलिए बच्ची ने किए छोटे से नुकसान से बाप ज्यादा गुस्सा हो गया। बेटी ने एक बॉक्स को रैपिंग पेपर से सजाकर क्रिसमस ट्री के पास रखा था। बच्ची बेचारी दुखी होकर सो गई। अगले दिन सवेरे बच्ची सब भूल गई और उठकर सबसे पहले वो बॉक्स लेकर अपने पापा के पास गई। वो बॉक्स पापा को देते हुए बोली, पापा यह गिफ्ट मैं आपके लिए लाए हूँ। बेटी का अपने प्रति प्यार देखकर बाप को खुद के द्वारा की गई ज्यादती का अफसोस हुआ। लेकिन बॉक्स को खोलते ही बाप का पारा फिर से चढ़ गया क्योंकि बॉक्स में कुछ भी नहीं था। बाप ने बेटी की तरफ गुस्से से देखा और चिल्ला कर बोला, ये किया है, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? या तुम्हें पता नहीं है कि जब किसी को गिफ्ट का बॉक्स देते हैं तो उसमें कुछ रखा भी जाता है? बच्ची की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने अपने पापा की आंखों में देखा और डरते हुए बोली, पापा ये खाली नहीं है, मैंने उसमें ढेर सारी कीसीस पपिया भरी है सिर्फ आपके लिए। फिर से एक बार बेटी की मासूमियत और प्यार ने बाप के गुस्से को पूरी तरह कुचल दिया। बाप ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा और बेटी से माफी मांगने लगा। बेटी ने बाप के आंसू पोंछे और बोली, पापा मैं जानती हूँ कि आप परेशान हैं, इसलिए मैंने आपको इस बॉक्स में खूब सारी पपिया दी है जो आपको हिम्मत देगी। कहते हैं कि इस बाप ने अपनी पूरी जिंदगी उस गिफ्ट बॉक्स को अपने सिरहाने रखा। जब जब वो जीवन में निराशा होता या हिम्मत हार जाता तब उस बॉक्स को खोलकर एक काल्पनिक किस जो उसकी छोटी मासूम बेटी के द्वारा दी गई थी को लेता और उसे नई हिम्मत नई आशा मिलती। हाँ, ये सच है कि जिंदगी सबके लिए इतनी आसान नहीं होती। जीवन में परेशानियाँ, निराशाएं, असफलताएं, नकारात्मकताएं आती जाती रहती है, लेकिन भगवान ने हमें एक अनकंडीशनल गिफ्ट बॉक्स दोस्तों, भाई बहन, माता पिता या साथी के रूप में दिया है जो हमें समय समय पर हिम्मत और आक्रामकता भरे विचार देते हैं और ये एहसास भी कराते हैं कि जीवन में उनसे ज़्यादा कीमती और ज़रूरी और कुछ भी नहीं है।